और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है। जिला में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम हुआ 5 विधानसभाओं का, काफी अच्छा रहा। सभी पंचायत ब्लॉक लेवल के सभी वर्कर जो है जिला के वो सब लोग पहुंचे, और आज भी जो है झंझारपुर और जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के वर्करों के साथ जो है बैठक हुई। और कल हमने कहा था कि मिथिलांचल के विकास के लिए, यहाँ की गरीबी पिछड़ापन के लिए हम लोग जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे, तो बहुत लोगों को इसका हजम नहीं हो रहा। लोग विपक्ष में जो लोग हैं उन लोगों को इस बात का हजम नहीं हो रहा। हम ये बता देना चाहते हैं, चाहे हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात कही हो या मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कही हो, इसको हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है लागू करा करके रहेंगे। ब्लॉक थाना लेवल में लैंड सर्वे या स्मार्ट मीटर के जरिए पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। लोग जो है भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से आप देखिएगा कि त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त हो चुके हैं। कोई काम के लिए थाना जाना हो, ब्लॉक लेवल पे जाना हो या स्मार्ट मीटर के जरिए पूरा लूटा जा रहा है लोगों को, लैंड सर्वे में लोगों को लूटा जा रहा है। इसको लेकर के जो है हर बात को जो है हम लोगों ने कई एक प्लेटफॉर्म पे भी उठाया है, और इसको हम लोग जो है हर जगह जो है किसी भी कीमत पे बिजली का दर कम हो, और जब हम सत्ता में आए तो 200 प्रति यूनिट बिजली जो है लोगों को मुहैया जरूर कराएंगे। आज पटना में देखा जा रहा है कि हमारे पार्टी द्वारा जो है राजभवन मार्च किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए। कल भी लगातार हम एक बुलेटिन जारी करते हैं, जहां बिहार के हर जिले में जहां भी अपराध हो रहे हैं वहां का बुलेटिन जारी होता है। लगातार जो है अपराध, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, फिरौती, बैंक डकैती चरम सीमा पर है, लेकिन कोई सरकार संज्ञान लेने वाला नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनको ये सरकार हटा देती है, जो चढ़ावा चढ़ा करके आते हैं। कैसे बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है ये हम सब लोग जानते हैं, और ताजुब है कि आज हम लोगों ने अखबार देखा, ये हमको लगता कि पूरे बिहार में ही छपा होगा, ये पूरे बिहार में छपा होगा। ये अखबार का विज्ञापन अगर गौर से अगर आप लोग देखें तो इसमें है अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया जाता, ये सरकार की तरफ से नहीं है और ना ही दल के तरफ से है, ये दल के तरफ से नहीं है। निवेदक कौन है इसका अता पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सभी मंत्रियों का फोटो है, सभी मंत्री जो है इनका फोटो है, यानी निवेदक कौन है इसका। ये सरासर एक विज्ञापन में कितना खर्च होता है, ये फुल पेज का विज्ञापन पूरे बिहार में छप रहा है। ये साफ तय है कि भ्रष्टाचार के पैसों से मंत्रियों द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। अगर पार्टी की तरफ से छपा होता तो प्रदेश अध्यक्ष का भी फोटो होता, लेकिन इसमें फोटो गायब है, नदारद है। तो ये जो भ्रष्टाचार जो विभागों में जो चल रहा है, और जिन बिना निवेदक के अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही है, तो भाई ये क्या खेल है। ये साफ तौर पे दिखाता है, दर्शाता है
कि एकदम ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चल रहा है। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसा विज्ञापन नहीं देखा, जहां देखते हैं कुछ लोग जो है ये लोग छपवाते हैं। आप पीआरडी डिपार्टमेंट का है और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो वोटो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है, नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन होता। मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अधीन है। कहीं भी कुछ भी घटना होती है मुख्यमंत्री कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं पहुंचते, चाहे कितनी सी भी बड़ी घटनाएं हो जाए। और ये जो विज्ञापन जो है, जितना पुल पुलिया गिरा है, मेगा पुल गिरा है, जो भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है, ये सब उसी की भेंट है। पेपर जो लीक हुआ है, जो जदयू के लोग पकड़े गए पेपर, नीट पेपर वाले में भी, शराब बंदी में जदयू के ब्लॉक के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, जुआ वाले में जदयू के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, ये सब पैसा वही के आ रहा है जिसका विज्ञापन जो है छपाया जाता है। तो देश की जनता तो देख ही रही है, बिहार की जनता भी देख रही है कि क्या खेल जो है बिहार में चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड है, और आज पटना में राजभवन मार्च भी हो रहा है बढ़ते अपराध को लेकर के। तो पार्टी हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग जनता के जो इश्यूज हैं उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जो है संज्ञान ले मामलों की और कुछ तो कंट्रोल करे। ऐसा लगता है कि बिहार को जो है एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। भाजपा जब से सरकार में आई है, दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री का एक कोई काम नहीं गिना सकता आज तक। कौन सा एक काम बता दो भाजपा के किसी डिप्टी सीएम ने एक काम जो किया हो, कोई काम नहीं। अब जब उप मुख्यमंत्री थे तो ये समीर महासेठ जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग लेकर के आए, इन्वेस्टर मीट कराए, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। अभी इन्वेस्टर मीट था, एक डिप्टी सीएम जो थे वो गए ही नहीं, एमओयू साइन ही नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं इनकी गंभीरता बिहार को लेकर के। हम लोग चाहते हैं लोग यहाँ कारखाना खोलें, इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन आज की जो सरकार है केवल विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को बदनाम करना, बिना तथ्य के, बिना सत्य के, बिना प्रमाण के बस आरोप लगाना। जो लोग सत्ता में लग ही नहीं रहा कि भाई वो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना केंद्र से सहयोग ला पा रहे 30 MP हैं, ना कोई स्पेशल पैकेज ला पा रहे हैं, ना स्पेशल स्टेटस दिला पा रहे हैं, ना हमारे बढ़ाए हुए रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डाल रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई ये लोग? 7-7 मंत्री है शायद बिहार के, क्या
क्या काम किए बिहार के अब तक? एक फैसला सुना, कोई काम नहीं। बस वोट लीजिए बिहार से और सत्ता में आइए, मलाई खाइए। बिहार के जनता के लिए क्या होगा? 20 साल से तुम्हारी सरकार है, मधुबनी में 20 साल से तुम्हारा सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक किन इलाकों में एनडीए के हैं, 20 साल से क्या हुआ विकास? जितना लोगों ने विश्वास किया उतना मिला? ये लोगों को भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो हम लोग इसलिए आज झंझारपुर का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इस सिलसिले में आए हैं। इसके बाद जो घटना वहाँ हुई थी चुनाव के दौरान, कौन सा जगह था? जाले में एक घटना हुई थी वहाँ पीड़ित परिवारों से, जहाँ प्रशासन के लोगों ने पूरे गांव को पीटने का काम किया, फर्जी मुकदमे में बंद किया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट दे रहे थे। तो उस गांव में भी हम जाएंगे, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर प्रस्थान।